हैं। सहारनपुर से आपको बड़ी जानकारी दें, कार्यकर्ताओं के साथ इमरान मसूद ने बैठक की है और मीटिंग में 1000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, इस बात की जानकारी है। सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर भी मीटिंग में पहुंचे हुए थे। कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन करने से पहले इमरान मसूद ने बैठक की और जानकारी मिल रही है कि 1000 के आसपास कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांग्रेस छोड़कर वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, लेकिन उससे पहले अपने समर्थकों से वो पूछना चाहते थे कि ये फैसला कैसा रहेगा। और ये सहारनपुर की तस्वीरें दिखा रहे, बैठक के वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरीके से हंगामा किया गया ये देखिए। दरअसल सपा ज्वाइन करने वाले हैं इमरान मसूद, कल उन्होंने अपना इरादा एबीपी गंगा पर भी बताया था बातचीत करते हुए, और आज उन्होंने बैठक की, मीटिंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जमकर हंगामा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर पालन नहीं किया गया, ना कई लोग मास्क लगाकर यहां पर पहुंचे थे। और अब आपको लखनऊ से एक बड़ी जानकारी दें, लखनऊ से सटे गोसाईगंज में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने परशुराम मंदिर में जो 108 फीट की ऊंचाई पर फरसा लगवाया था वो टूटकर जमीन पर जा गिरा है। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश के चलते बताया जा रहा है कि खंभा टूट कर गिर गया। अखिलेश यादव ने 2 जनवरी को इसी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन भी किया था, लेकिन ये फरसा टूट चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश लगातार होने की वजह से ये फरसा गिरा है, खंभा गिर चुका है। और अखिलेश यादव 2 जनवरी को यहीं पर पहुंचे थे, प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया था, लेकिन अब वही उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है 108 फीट ऊपर ये फरसा लगाया गया था जो कि टूट कर नीचे जा गिरा है। पूर्व विधायक संतोष पांडे ने मंदिर बनवाया है, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी, वजह ये बताई जा रही है कि लगातार बारिश होने की वजह से ये खंभा टूट कर नीचे जा गिरा है और भगवान परशुराम का ये फरसा नीचे गिरा है। 2 जनवरी को अखिलेश यादव यहीं पर पहुंचे थे। आज हो सकती है कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में आईपीएस नवीन अरोड़ा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मोहित अग्रवाल और विजय सिंह मीणा का भी नाम चर्चा में है। मोहित अग्रवाल बतौर आईजी रेंज कानपुर में रह चुके हैं तैनात और शासन ने चुनाव आयोग को 3 नाम भेजे हैं। देखना होगा कि मुहर किस पर लगती है, किसके नाम पर मुहर लगती है। हालांकि मोहित अग्रवाल और विजय सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। मोहित अग्रवाल पहले भी आईजी रेंज कानपुर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और शासन ने चुनाव आयोग को 3 नाम भेजे हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस रेस में मोहित अग्रवाल का नाम सबसे आगे है, इसके अलावा विजय सिंह का नाम भी बताया जा रहा है। तो मोहित अग्रवाल, विजय सिंह मीणा का नाम चर्चा में है, लेकिन इसके अलावा एक और नाम है, नवीन अरोड़ा भी सबसे आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये 3 नाम ऐसे हैं जो रेस में हैं, लेकिन अब किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है ये देखना होगा। थोड़ी देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर कौन होंगे, किसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है इन 3 नामों में, ये इस वक्त चर्चा का विषय है। कानपुर पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में आईपीएस नवीन अरोड़ा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये 3 नाम आगे चल रहे हैं जिसमें नवीन अरोड़ा का नाम है, मोहित अग्रवाल हैं और विजय सिंह मीणा हैं, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, किसको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए जया, जो शासन के सूत्र हैं उनका कहना है कि 3 नाम सबसे ऊपर हैं जो अभी हाल ही में तीनों एडीजी भी बने हैं, चूंकि कानपुर कमिश्नर में एडीजी रैंक की ही पोस्टिंग होती है, असीम अरुण भी एडीजी थे, तो उनके जाने के बाद से जो तीनों आईपीएस अफसर, चाहे नवीन अरोड़ा हो, चाहे मोहित अग्रवाल हो या विजय सिंह मीणा हो, तीनों एडीजी बन चुके हैं और इनका नाम सबसे पहले है। चूंकि मोहित अग्रवाल पहले भी कानपुर में आईजी रेंज रह चुके हैं तो उनका नाम थोड़ा सा चर्चा में कम है, लेकिन क्योंकि जो ऐसे सूत्र बता कि जो लिस्ट भेजी गई, चूंकि आप कोई भी पोस्टिंग चुनाव आयोग सीधा करेगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए 3 नामों की लिस्ट भेजी जाती है। और ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से किसी अधिकारी को पोस्ट कर दे, तैनात कर दे, ये हो सकता है कि शासन की तरफ से भेजे गए नाम उसको समझ में ना आए, पसंद ना आए या वो मेरिट पे ना हो, तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से भी किसी आईपीएस अफसर को
कर सकता है, तो ऐसा बताया जा रहा है। और ये एक चर्चा और चल रही है कि जो बाहर के रहने वाले हैं, यूपी कैडर के जो बाहर के अधिकारी हैं, उनका भी दो तीन नाम ऐसे चर्चा में चल रहे हैं। तो अभी कुछ बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो शासन के सूत्र हैं वो इन्हीं तीन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा, चाहे पुलिस का डीजीपी ऑफिस हो, पुलिस मुख्यालय हो, या लोक भवन हो, जो विधान भवन हो, वहां सब इसी तरह की चर्चा चल रही है कि नवीन अरोड़ा सबसे पहले नंबर पर है, उनका नाम सबसे पहले नंबर पर है, वही पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं। और उन्होंने एक किसी से इस तरह की चर्चा भी की थी, इस बात की चर्चा भी की थी कि वो बन सकते हैं और वहां पर उनकी तैनाती हो सकती है। तो देखिए, आज शाम तक तय हो सकता है या कल तक ये चीजें तय हो जाएंगी, क्योंकि कानपुर बहुत बड़ा कमिश्नरेट है, वहां पर बहुत लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति जरा सा भी खाली रहता है। अगर पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं जो जिम्मेदार अफसर है, तो तुरंत स्थितियां बिगड़ती हैं, कंट्रोल के बाहर हो जाता है और चुनावी माहौल है, तो वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं भी देखनी है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहां पर तैनाती हो जाए। चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं नाम, अब आयोग कब डिसाइड करता है, अपनी तरफ से कोई अधिकारी भेजेगा या फिर इन्हीं तीन नाम में से तय होगा, ये आज शाम तक या फिर कल इस पर मोहर लग सकती है और कानपुर को नया पुलिस कमिश्नर मिल सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में कमिश्नरेट बना है कानपुर, और वहां पर जो चीजें हैं अभी बहुत ज्यादा सुचारू तरह से नहीं हो पाई है। बिल्कुल, और विवेक, जो जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई अलग नाम भी हमें देखने को मिल सकता है, हालांकि शाम तक का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।